Very good morning, students. Today, students, we will start a new chapter, chapter 10, mensuration. In this chapter, students, we will learn how to find out pen. Pen meaning क्या है, student? Basically, जब भी हम बात करते हैं, कोई भी आपके पास figure है, किसी भी figure की boundaries, ठीक है? तो it means we are talking about pen. Suppose, students, आपके पास कोई भी suppose we have a closed figure, ये आपके पास एक closed figure. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे इसकी बाउंड्रीज, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस फिगर. यस, ठीक है. इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पेन. पेन मीटर क्या है स्टूडेंट आपके पास? पेन मीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. कोई भी आपके पास फिगर है, उसकी अगर सारी साइड्स को आप प्लस कर देंगे, यू विल गेट अ पेन. सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड्स मीन्स क्या है आपके पास? बाउंड्रीज. ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर वाली बाउंड्रीज की जब हम बात करते हैं, इट मींस हम बात कर रहे हैं पेन. ओपन स्टूडेंट्स पेज नंबर 206. मैं आपको मार्क करा रही हूँ. यस, मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स. ब्रॉड लेटर्स में लिखा है पेज नंबर 206 में, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस. कोई भी क्लोज फिगर है, जब आप उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं उसकी बाउंड्रीज के साथ साथ, इट मींस यस वो आपके पास क्या होगा, दैट इज द पेरीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, ये मान कर लिया आपने. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 208, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. यस, इसका फॉर्मूला है आपके पास, ब्रॉड लेटर्स में लिखा है स्टूडेंट्स, गॉट इट? मार्क कर लीजिए. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. मार्क कर लिया स्टूडेंट्स आपने. नेक्स्ट है पेज नंबर 210, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स. रेगुलर शेप्स मींस ऐसी फिगर्स, ऐसी शेप्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. यस, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड. 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड. स्टूडेंट्स प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इसे भी. पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल. इक्विलेटरल एंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. तो पेरीमीटर क्या होगा इक्विलेटरल एंगल का? 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम बात करें रेगुलर हेक्सागन की, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय साइड. पेंटागन की बात करें, रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास? 5 मल्टीप्लाई साइड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया आपके पास कि पेरीमीटर क्या है. पेरीमीटर मींस, ठीक है, बाउंड्रीज का सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्लीज. ये मैंने फिगर्स बनाई हैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स, यस ये फिगर आपके पास गिवन है. दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. साइड्स को प्लस कर दीजिए. 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. यस, सबको प्लस करेंगे. 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 cm. This is the perimeter of this figure. B part and students, perimeter is equal to, yes, 35 cm plus 40 cm plus 35 cm plus 23 cm. Add them, इसको आपने add किया गया है आपके पास 35 plus 40 प्लस 35 प्लस 23, 133 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस, नाउ पार्ट सी. अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं हम. और यस, नहीं तो 4 की 4 साइड्स इक्वल है, 15 15 15 15. तो 15 मल्टीप्लाई 4 भी हो जाएगा. ठीक है, तो पार्ट सी में आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर. एज यू विश चाहे तो आप सबको 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 ऐड कर दीजिए.
और नहीं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं 4 × 15 cm, 15 × 4 = 60 cm। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करना है आपने, सम ऑफ ऑल साइड्स और रेगुलर अगर फिगर्स हैं तो आप आर्ट सीख के ना, ठीक है, जितनी साइड्स हैं इक्वल है उससे मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना। अब इसमें 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई साइड, ये कितना आया 4 × 15 = 60 cm। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के डी ई एफ पार्ट डू योरसेल्फ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सिमिलरली आपने सबको सिर्फ प्लस ही करना है, जो भी डायमेंशंस गिवन है सबको क्या करना है प्लस। सेकंड क्वेश्चन, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 cm by 10 cm इज सील्ड ऑल राउंड द ग्राउंड विद टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। लीड क्या होता है स्टूडेंट, जिससे आप कवर करते हैं, जिससे रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, जिससे वो कवर हो जाता है। तो एक लिड है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, उसकी साइड्स कितनी 40 cm and 10 cm, तो इट मींस लेंथ आपके पास 40 और ब्रेड्थ है 10 cm, उसको सील्ड करना है आपने, ठीक है, ऑल राउंड विद द टेप, टेप के साथ। ओके ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप, तो टेप की लेंथ कितनी होगी, इट मींस आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरिमीटर। बाउंड्रीज की बात हो रही है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरिमीटर, ठीक है। तो लेंथ है स्टूडेंट्स 40 cm, ब्रेथ 10 cm, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल 100 cm, और यू कैन से दैट 1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, 100 cm और 1 मीटर, क्लियर हो गया, ठीक है। बस मेन बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें पेरिमीटर फाइंड आउट करना है। अगर बाउंड्रीज की बात होगी, ठीक है, बाहर वाले पार्ट की बात होगी, साइड्स की बात होगी, ठीक है, तो इट मींस क्या फाइंड आउट होगा, पेरिमीटर। अब ये रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है पेरिमीटर ऑफ, ये जो लिड है ये रेक्टेंगुलर शेप की थी ना, इट मींस पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 10, 15 × दिस इज 100 cm, और यू कैन से दैट 1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अ टेबल टॉप मेजर 2 m 25 cm by 1 m 50 cm, व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ द टेबल टॉप, दैट इज गिवन। सेम स्टूडेंट्स लेंथ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल टॉप की लेंथ है 2 m 25 cm = 225 cm, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया मैंने। ब्रेथ है स्टूडेंट आपके पास 1 m 50 cm = 150 cm, सो द पेरिमीटर इज इक्वल टू 2 × length + breadth, 2 × length आपके पास 225, breadth is 150, 2 × 2 + 1 = 3, 25 + 50 = 75 cm, multiply कर दीजिए 5 × 10, 7 × 14 +
सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस आप फॉर्मूला जो है वो लर्न कर लीजिए। अगर रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, इट मींस रेक्टेंगुलर शेप्स की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, बस उसके बाद तो आपने फिर कैलकुलेशन कर ली। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्लीज, सॉरी 4th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively? ठीक है स्टूडेंट, जब ये रेस्पेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, इट मींस जो फर्स्ट वाला है दैट इज लेंथ, और जो सेकंड वाला है वो आपके पास क्या है, ब्रेथ। अब आपको लेंथ बतानी है वुडन स्ट्रिप की, एक फोटोग्राफ है उसको उसके फ्रेम बनाना है। सपोज कोई फोटोग्राफ स्टूडेंट, इसका वुडन फ्रेम बनाना है, तो वुडन फ्रेम मतलब चारों तरफ से बनेगा, बाउंड्री से कवर होगा। इट मींस क्या फाइंड आउट करेंगे आप, अगेन पेरीमीटर। यस, लेंथ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में, लेंथ 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ 21 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, यस, 32 प्लस 21, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर, 3 2 जा 6, 5 110, ओ सॉरी 106 सेंटीमीटर। यस, मतलब ये लिखे आप लास्ट में required length of wooden strip, required length of wooden strip, मतलब wooden strip की कितनी length जो है वो required है photograph बनाने के लिए, that is 106 cm। clear हो गया students question number 4? ठीक है, फोटोग्राफ थी उसको वुडन स्ट्रिप से, ठीक है, उसका फ्रेम बनवाना था, तो इट मींस आपने क्या फाइंड आउट किया, पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, सपोज ये दिस इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें लेंथ है आपके पास, लेंथ है 0.7 किलोमीटर एंड ब्रेथ है 0.5, ठीक है। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, फेंसिंग करनी है, ठीक है, हर एक साइड की 4 रोज में 4 टाइम्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नेट, कितना लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ वायर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर फेंसिंग का मतलब होता है जो बाउंड्री के चारों तरफ है, जैसे ये 4 टाइम्स करनी है, 1 टाइम होने, सिमिलरली 2 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक पीस ऑफ लैंड था, ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका लेंथ है 0.7 किलोमीटर, ब्रेथ है 0.5। अब फेंसिंग करनी है, फेंसिंग कैसे होती है, बाउंड्री के चारों तरफ, ठीक है, वायर से, ठीक है, 4 टाइम्स करनी है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स। इट मींस आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, यस, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ कितना है आपके पास, 0.7, ब्रेथ 0.5, 2 इंटू 0.7 का 0.5 प्लस कर लीजिए, डेसिमल्स आपने किए हैं स्टूडेंट्स, से आएगा 1.2, दिस इज 2.4 किलो मीटर। ये
पेरीमीटर, ये पेरीमीटर आया आपके पास एक बार जब आपने वन टाइम जो है उसको फेंसिंग की है वायर के साथ. ऐसे कितनी बार करना है? फोर टाइम्स, 1 2 3 4. तो यस मल्टीप्लाई करते हैं हियर बाय 4. यहाँ पे यस लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस्ड विथ 4 rows. ठीक है, हमने मेंशन कर दिया. यह आएगा 4 × 2.4 kilo. यह आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 1, 9.6 kilo. यह स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट राइट की है, बुक से ही आप देख के लिखेंगे. लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस्ड विथ 4 rows. 4 times करना है ना, ये 1 time का है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने पेरीमीटर को 4 से. 4 × 2.4 किलोमीटर, ये मल्टीप्लाई करके आया 9.6 किलो. तो आंसर क्या आया आपके पास? यस आंसर आएगा 9.6 किलो मीटर जो है वायर की लंबाई, अगर 4 times आपने उसको ठीक है फेंसिंग कर. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स. पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पार्ट ए में है एक ट्रायंगल है जिसके 3 sides होते हैं. पार्ट बी में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. पार्ट सी में आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद द साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर. 6th क्वेश्चन पार्ट ए, आर ट्रायंगल ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट स्टूडेंट्स? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5. क्या आएगा? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर. सम ऑफ ऑल साइड्स, दिस इज आंसर. पार्ट थ्री स्टूडेंट्स, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो पेरीमीटर क्या है आपके पास? मैंने भी आपको अंडरलाइन भी कराया था और अभी एक्सप्लेन भी किया था. पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 × 7 is equal to 27 centimeter. This is answer. Clear? Part C. An isosceles triangle with equal sides 8 centimeter each and third side 6 centimeter. Isosceles triangle given in students say, ठीक है, in which we suppose isosceles triangle two sides are equal. So two sides and that is 8 centimeter, 8 centimeter. और जो थर्ड साइड है क्या है? 6 centimeter. तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 8 + 8 + 6. कितना आएगा? 8 centimeter + 8 centimeter + 6 centimeter, 22 centimeter. दिस इज आंसर. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद द साइड्स मेजरिंग. डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 meter. रेगुलर हेक्सागन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, रेगुलर शेप्स में जितनी साइड्स होंगी. ठीक है, जैसे रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी?
yes. ये देखिए सबको के रेगुलर सेट हेक्सागन है 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज द रेगुलर हेक्सागन स्टूडेंट्स. ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर. दिस इज 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, 8. तो पेरिमीटर क्या होगा? कितनी साइड्स होगी? 1 2 3 4 5 6. सो द पेरिमीटर ऑफ regular hexagon is equal to 6 multiplied side. 6 multiplied 8 meter is equal to 48. This is the answer. Clear students? Okay. Regular hexagon. 6 sides of 3 equals 6 multiplied by 8 is equal to 48 meter. Clear over students? नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर. 8 तक ही करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं. 9 से जो है पैरामीटर गिवन है, साइन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज पैरामीटर एंड हाउ टू फाइंड आउट द पैरामीटर. फर्स्ट 8 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें.